नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। कोरोना काल में नौकरी पेशा लोगों की जॉब, उनकी सैलरी और अन्य सुविधाओं पर कैंची चली, जिससे एम्प्लॉय की जिंदगी प्रभावित हुई। कई कंपनियों के मालिकों ने अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से ऐसा किया, तो कईयों ने माहौल का फायदा उठाते हुए इसका बेजा इस्तेमाल भी किया। कर्मचारी और कंपनी मालिकों की इसी स्थिति पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं गौतम बुद्ध नगर के लेबर डिप्टी कमिश्नर पीके सिंह जी। आपका स्वागत है पीके सिंह जी जनसत्य न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। पीके सिंह जी, ये समय कंपनियों और कर्मचारियों के लिए कैसा है, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त को? मैडम, जैसा कि आप देख रही होंगी, ये वैश्विक महामारी जो है, जिसका हम लोगों को किसी को ना कोई अनुमान था, ना कोई आकलन था, और एकदम से ये हम सभी पर आन पड़ी होली के तत्काल बाद या होली के आसपास। हम लोग ऐसा सुन रहे थे कि ये चाइना में वुहान में कुछ एक ऐसा वायरस की बीमारी आई है, लेकिन वो एकदम से हमारे देश में भी एक आफत के रूप में आई। और इससे न केवल सेवा आयोजक, यानी जो इसको आप कह रहे हैं कंपनियों के मालिक और वर्कर, दोनों पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। बड़े प्रतिकूल ढंग से इन्होंने प्रभावित किया, क्योंकि हमारे जो गौतम बुद्ध नगर में जो इंडस्ट्री है, मोस्टली गारमेंट सेक्टर की और एक्सपोर्ट यूनिट जी। और एक्सपोर्ट आप जानते हैं कि हमारा पूरा एक्सपोर्ट यूरोप और यूएस बेस्ड है मोस्टली, और यूरोप और यूएस हमसे पहले इस महामारी की चपेट में बहुत बुरी तरह आ गए। तो उद्योगपतियों के तमाम ऑर्डर या तो कैंसिल हो गए, या ऑर्डर जो वहां डिलीवर हो रहे थे उनकी पेमेंट नहीं आई, या जो ऑर्डर हो गए थे और जिसमें पार्ट उन्होंने कोई अपना एक मैन्युफैक्चरिंग कर ली थी, उनको वहां उनके जो वो था बायर था उसने विड्रॉ कर लिया। तो इसमें जो इनका निवेश था रामेल के रूप में, मैन पावर के रूप में, कुछ फिनिश कर लिया था, उससे उनको प्रतिकूल तरीके से भारी हानि पड़ी। इस सब के चलते हमारे वर्करों पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, संयोजक उनको आगे काम पे लेने की स्थिति में नहीं रहे। फिर जब लॉकडाउन सरकार ने घोषित किया तो एकदम से स्थिति बहुत विकराल हो। ऐसी स्थिति में हम लोग विभाग ने बड़े विवेक से, बड़े धैर्य से और बड़ी तत्परता से पूरा प्रशासन लग के ऐसा किया कि कोई इसी तरह का कोई ऐसी समस्या ना उत्पन्न हो, जैसा कि आपने देखा होगा देश के अन्य हिस्सों में, सूरत में, महाराष्ट्र में, जहां बड़े व्यापक स्तर पे हिंसाएं भी हुई और हम लोगों ने उद्योगपतियों के सहयोग से, प्रशासन की सक्रियता से यहां ऐसी स्थिति उत्पन्न होने नहीं दी, और ये प्रयास किया कि मजदूरों को भी कुछ भला होता रहे और मालिक की जो स्थिति है उसको भी हम लोग समझें जी। तो एक बड़ा आपसी एक कल की सर्वसम्मति से आपसी मेल जोल से यहाँ इस सिटी का सामना करने का प्रयास किया गया है। इसलिए गौतम बुद्ध नगर में उस तरह का कोई हिंसा या बात नहीं हुई, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह समस्या किसी भी रूप में जी कम रही है। बहुत ही ज्यादा जटिल स्थिति है। अब जब लॉकडाउन खत्म हुआ है तो कंपनियां अभी उस रूप में काम पे इनको लेने की स्थिति में नहीं है, बट धीरे धीरे के दौरान हो रही। जिस तरह हम सभी ने देखा है कि कंपनी और एम्प्लॉय इन दोनों के बीच में विवाद और तनाव बढ़ा ही है, तो उसके बाद किस तरह के केसेस इस वक्त आपके सामने आ रहे हैं और क्या केसेस की संख्या बढ़ी है, कितनी बढ़ी है? निश्चित तौर पर जब ये महामारी का प्रभाव पड़ा तो संयोजक और श्रमिक दोनों पे इसका प्रतिकूल असर पड़ा। संयोजक काम लेने की स्थिति में नहीं थे, वर्कर बिना काम के, बिना मजदूरी के कैसे रह पाए, तो उन दोनों के बीच निश्चित तौर पर विवाद भी उत्पन्न हुई है, समस्याएं भी उत्पन्न हुई है, और उसी में हम लोगों की भूमिका है और लॉकडाउन के बाद तमाम शिकायतें इस तरह का आ रही हैं कि कंपनी अब काम नहीं दे रही है। कंपनी का कहना है कि हमारे पास उतना काम रह नहीं गया है या हमारा वेतन बकाया है। लॉकडाउन पीरियड के लिए भी शासन के स्तर से पहले निर्देश हुए थे कि वेतन दिया जाएगा, और हम लोगों ने प्रयास किया था, तो कुछ लोगों ने लॉकडाउन पीरियड का वेतन दिया है पूरा, कुछ पार्टली। अब चूंकि ये प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में चला गया और वहां से एक दिशा निर्देश प्राप्त हुई है, अभी वहां पे इसका अंतिम निस्तारण नहीं हुआ है, कि मालिक और मजदूर आपस में बैठ के आपसी सहमति से इस विषय पे बात कर लें, और यदि समाधान नहीं होता तो राज्य श्रम विभाग उनमें सहयोग करे। तो जहां जहां ऐसे मामले आ रहे हैं वहां वहां हम लोग मालिक और मजदूर के बीच में संराधन वार्ता के माध्यम से इसका समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक कहें कि दोनों को सर्वस्वीकार्य हो, सर्वमान्य हो और नियम कानून के दायरे। जी, क्या आप हमें एक तरह का उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे मामले आपके सामने आए और आपने कैसे इस पर मीडिएटर की भूमिका निभाते हुए मामले को सुलझाने की कोशिश की है? क्या मांग इस समय जो एम्प्लॉय हैं उनकी है और कंपनियों का क्या तर्क है?
मुख्य रूप से जो श्रमिकों की मांग है कि हमको काम पे वापस लिया जाए। एक मांग ये भी बड़ी मात्रा में है कि लॉकडाउन पीरियड का जैसा शासन ने घोषित किया था उनका वेतन पूरा पूरा दिलाया जाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि उस लॉकडाउन पीरियड का पूरा वेतन देंगे, ये एमएचए गाइडलाइंस पे भी आया था, उसी पे आधारित राज्य सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन इस समस्या की विकरालता को देखते हुए सभी से आयोजक इसको देने की स्थिति में नहीं थे, तो 17 मई से फिर भारत सरकार ने गाइडलाइन को विड्रॉ कर लिया। 1 जून से अनलॉकडाउन फॉर सेकंड इस तरह चल रहा है जैसा कि आपको मालूम है। इसमें सेवाजक का ये कहना है कि चूंकि कोई काम नहीं हुआ हमारे पास तो हम पूरी तरह वेतन देने की स्थिति में नहीं। श्रमिक कहता है कि हम यहाँ बैठे रहे हैं तो हमको काम मिलना चाहिए, हम तो काम करने को तैयार थे, इन्होंने काम बंद कर दिया, लॉकडाउन हो गया और सरकार ने भी कहा तो मुझे वेतन दिलाया जाए। इस तरह के विवाद आते हैं, लेकिन श्रमिकों को समझाया जाता है कि देखो उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब हुई है मालिकों की और वो पूरा वेतन देने की स्थिति में नहीं है, तो पार्ट में 60% 40% जितना संभव हो रहा उनको दिलाया जा रहा, और जो वार्ता के माध्यम से समाधान नहीं हो रहा तो जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसके अधीन नियमानुसार कार्रवाई अपनाई जाएगी। लेकिन पीके सिंह जी, कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो जो कि इस लॉकडाउन के समय पर ज्यादा फली फूली हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ कंपनियां जिन्हें इतना नुकसान नहीं हुआ है या फिर जिनकी स्थिति पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है, क्योंकि ये समय ऐसा है, ये परिस्थिति ऐसी है, तो उनका फायदा उठाकर एम्प्लॉय को समय पर वेतन ना देना या फिर उसमें कटौती करना, एम्प्लॉयज को निकालना, क्या ऐसी भी कुछ शिकायतें आपके पास आई हैं, ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं? इस कोरोना पीरियड में कोई कंपनी फली फूली हो ऐसा तो उदाहरण मेरे संज्ञान में नहीं आया। परेशानी तो सबको आई, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि व्यापार प्रत्येक स्तर पर प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हुआ है, क्योंकि हमारे मार्केट में जो भी डिमांड होती वो एक चेन बनी हुई है, तो चूंकि पूरा व्यवसाय ही प्रभावित हो गया, लॉकडाउन में पूरी लाइफ ही हमारी स्टेबल हो गई। आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ जो जिस पीरियड में लॉकडाउन हुआ अप्रैल और मार्च में और मई में, मार्च के बाद वो सीजन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा व्यापारिक गतिविधियों का, शादी विवाह और अन्य प्रकार की घटनाएं होती हैं, किसानों के पास उनकी उपज का मूल्य मिलता है तो भी बहुत ज्यादा से खरीद बिक्री करते हैं। तो दीपावली के बाद होली के आसपास हम लोग के यहाँ व्यवसायिक गतिविधियां बहुत बढ़ती हैं और हर क्षेत्र में, चाहे वो गारमेंट का हो, चाहे फुटबियर का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, हर तरह की मांग यहाँ पे पैदा होती है। लेकिन उसी दौरान ये लॉकडाउन हो गया, तो कोई कंपनी फली फूली ऐसा तो मैं नहीं मानता। हाँ, कुछ कंपनियों में ये मैं मान सकता हूँ कि वो लॉकडाउन का बहाना लेके या कोविड-19 का बहाना लेकर के कुछ कहीं कहीं निरस्ता या कठोरता का उदाहरण तो सामने आता है, तो वहाँ हम लोग भी उस ढंग से प्रयास करते हैं कि किसी तरह का लाभ लेने ना पाऊं इस तरह का। इसके साथ ही पीके सिंह जी, जब भी कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच किसी तरह का विवाद होता है तो वो लेबर कोर्ट पहुंचते हैं, और इस कोरोना महामारी के दौरान भी कई ऐसे उदाहरण आपके सामने आए हैं जिसके बारे में आप बता रहे हैं। क्या ऐसे में आपने कहा कि आप एक मीडियोकर की भूमिका निभाते हुए, यानी कि दोनों के बीच कोई सलाह मशवरा कर और आपसी सहमति से एक हल निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो हल कैसा होता है, उसमें किस स्टेक होल्डर का कितना पार्ट रहता है, यानी कि क्या किस तरफ आपका झुकाव ज्यादा रहता है, कंपनी की तरफ या फिर एम्प्लॉय को ज्यादा बेनिफिट हो या फिर मजदूरों को ज्यादा बेनिफिट हो? निश्चित तौर पर जैसा कि श्रम विभाग है तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मैं श्रमिकों की तरफ ज्यादा झुकाव रखता हूं, लेकिन सर्वोपरि दायित्व और जो सर्वोच्च प्राथमिकता होती है कि किसी श्रमिक के प्रति कोई अन्याय ना होने पाए, कोई भी उसका जो देय हित लाभ है वो उससे वंचित ना रह जाए, और मालिकों की भी वास्तविक स्थिति जो कोविड-19 से आई है उसको भी ध्यान रखना पड़ता। तो मान लीजिए इसका वेतन 20,000 या 18,000 या 16,000 बन रहा है, मालिक कह रहा है कि आज की डेट में नहीं दे पाऊंगा लेकिन 15 दिन में या 25 दिन में 2 किस्तों में दे दूंगा, तो इस तरह भी उसको समझाने का प्रयास किया जाता है कि आप इनकी स्थिति को समझो, 10,000-12,000 अभी ले लो, 5,000 बाद में उसके खातों में पहुंच जाएगा। या मुख्य रूप से नौकरी पे वापस लेने की बात है, जैसे अभी मेरे सामने एक जगह था, वो करार साहब हमारे पास पहले 1200 आदमी काम करते थे, अब हम 200 से ही काम ले रहे हैं। 2 वर्कर मेरे पास आए हुए थे, उनकी स्थिति थोड़ा सा विपन्न थी, तो मैंने उनसे मतलब एक बलपूर्वक आग्रह किया, कोई कानूनी नहीं, जैसे कहते हैं कि आप दबाव पूर्वक, भाई मेरे कहने से 2 इनको रख लो, कैसा अभी कंपनी हमारी बंद होने जा रही है, आगे हो सकता है 2 महीने बाद हम इनको भी न रख पाए, तो हमको जब बंद करोगे तो जैसे सबका हिसाब करना वैसा इनका हिसाब कर देना। तो एक व्यवहारिक तरीके से प्रयास किया जाता है कि वर्कर को किसी तरीके से कोई अहित ना होने पाए, लेकिन जो मालिक पक्ष है तो उसकी जो भौतिक धरातल पे सच्चाई है उसको भी किसी न किसी रूप में ध्यान में रखना पड़ता है। जी, और पीके सिंह जी, किस सेक्शन के ज्यादातर मामले आ रहे हैं, जो लेबर फोर्स है क्या उनकी तरफ से ज्यादा शिकायतें इस दौरान आ रही हैं, या फिर जो सर्विस में हैं, जो कि नौकरियां कर रहे हैं, जो अच्छी पोस्ट पर भी हैं, जो दफ्तरों में काम कर रहे हैं, इस लीक के ज्यादा केसेस आ रहे हैं? गौतम बुद्ध नगर में मैंने जो देखा, एक तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी थी,
वहाँ पे शिकायतें हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके ऑर्डर कम हुए हैं तो वहाँ पे सेवा का स्पेस कम हुआ, तो नौकरी पे कम लेने की बात है। दूसरा आईटी सेक्टर, हमारे यहाँ कॉल सेंटर बीपीओ ग्रुप में बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, कंपनियां काम करती थी छोटी से लेके बड़ी बड़ी, तमाम ऐसी कंपनियां थे जिनका तो हमको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि कई सौ हजारों की संख्या में इस तरह कंपनियां थी, क्योंकि इनका सारा बिजनेस यूरोप और अमेरिका बेस्ड होता था, और यूरोप और अमेरिका में तबाही मचने के कारण इनके ऑर्डर कम हो गए, इनके काम के अवसर समाप्त हो गए, तो आईटी सेक्टर में काफी बड़ी मात्रा में नौकरियों को लेकर के समस्या हुई है, वहां पर छटनी हो रही है, छटनी के बाद उनके जो मतलब एक कठिनाई का समय है जी। और पीके सिंह जी, इससे पहले भी आपने अपनी खुद बात में कहा है कि जिस तरह से ये लेबर कोर्ट है तो ज्यादा कोशिश रहती है कि जो श्रमिक क्षेत्र के लोग हैं उन्हें राहत पहुंचाने की आप कोशिश करें। हाल फिलहाल सरकार की तरफ से कुछ बदलाव भी श्रमिकों के काम करने के तरीके और साथ ही उनकी चाहे हड़ताल हो या उनके काम करने के घंटे हो, इसमें परिवर्तन किए गए हैं, तो उन्हें आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारे श्रम कानून है बहुत पुराने हैं, 1936, 1948, 1923, और एक जो हम लोग एक ग्लोबलाइजेशन के बाद जो एक नया वैश्विक परिदृश्य और जो कम्पिटेटिव एक एटमॉस्फेयर पैदा हुआ पूरे विश्व में, जी। तो इंडस्ट्रीज के सर्वाइवल के लिए और इस कंपटीशन में बने रखने के लिए और इसमें किसी श्रमिक का अहित न हो, तो एक प्रकार से बहुत बड़े असर पहले समय से मांग की जा रही थी कि लेबर लॉज का सिंप्लीफिकेशन किया जाए, उसी के तहत सरकार ने कुछ स्टेप उठाए हैं, कुछ अभी प्रक्रिया में है, क्योंकि जो भी यहाँ पे सरलीकरण या शिथिलीकरण की बात आई थी वो शासन द्वारा अंदर भी, क्योंकि श्रम का पार्लियामेंट है उसमें किसी तरह का संशोधन परिवर्तन भारत सरकार के द्वारा ही किया जाता, तो वहाँ संदर्भित है, वहाँ भी इस पे विचार विमर्श चल रहा और सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए कि इसमें एक फाइनल शेप कुछ आएगा, तद अनुरूप हम लोग उसमें उसका अनुपालन करेंगे जी। और इस क्षेत्र में पीके सिंह जी, जैसे मैं अगर काम के घंटों की बात करूं तो पहले भी ये हम सभी जानते हैं, चाहे हम मॉल में जाते हों, वहां काम करने वाले गार्ड हों या फिर क्लीनिंग स्टाफ में जुड़े हुए लोग हों या फिर दफ्तरों में काम करने वाले और लोग हों, तो उनकी जो लगभग काम करने के घंटे होते हैं वो 10 से 12 ही होते हैं, हालांकि अब इसे कानून में परिवर्तन कर बदला गया है, तो इस तरह के नियम, जबकि आप 8 से 9 घंटे ही काम करा सकते हैं, तो ऐसे कई महत्वपूर्ण नियम हैं जो कि श्रमिकों के लिए हैं लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं है, जागरूक नहीं है, या फिर कंपनियां या फिर जो उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं वो उसका ज्यादा फायदा उठाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या लोगों में इनके प्रति अब जागरूकता आई है, लेबर्स के प्रति, लेबर के अंदर क्या जागरूकता आई है? निश्चित तौर पर जितना हमारे यहाँ संचार क्रांति बढ़ी, हर लेबर के पास मोबाइल है, नेट कनेक्शन है, तो एक प्रकार से ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं, तो जागरूकता तो है ही, लेकिन जो आपने कहा कि 8 घंटे से ज्यादा काम करने के लिए प्रावधान किया गया, ऐसा प्रावधान की बात नहीं है, पहले भी 8 काम तो आज भी 8 घंटे ही करने हैं, जो उसका वेतन बनता है मिनिमम वेजेज है वो 8 घंटे के लिए ही है, लेकिन जो उससे अतिरिक्त कार्य लेते हैं उसके लिए उनको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है, उसी बात को एक नियम के तहत लाया जा रहा था लेकिन उसको फिर शासन ने अभी विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि उसमें एक विवाद उत्पन्न हो रहा था, तो अब अभी उसका एक फाइनल शेप नहीं, लेकिन अभी भी कंपनियों में 2 घंटे का 3 घंटे का जो ओवर टाइम लेते हैं वो श्रमिक की मर्जी से लेते हैं, उसकी सहमति से लेते हैं और उसका नियमानुसार उनका भुगतान करना होगा जी। पीके सिंह जी, क्या आप स्थिति को देखते हैं कि क्योंकि अब जैसे हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसमें नौकरियां कम हैं, चाहे आप व्यापार क्षेत्र में देख लें या फिर इंडस्ट्री क्षेत्र में देख लें, लोगों के लिए काम कम है, तो ऐसे में उसका फायदा मालिक उठाते हैं, उनसे ज्यादा घंटे तक काम कराना, कम तनख्वाह देना, क्या इस तरह की जो आसपास कंपनियों में या फिर फैक्ट्रियों में इस तरह से एम्प्लॉयज का एक तरह से शोषण इसे कहेंगे, तो ये शोषण होता आप देख रहे हैं, इसके खिलाफ क्या कर रही है लेबर कोर्ट या फिर सरकार क्या सोच रही है इसके खिलाफ? नहीं, अभी ये COVID-19 के बाद या पहले भी श्रम विभाग हम लोग बहुत सक्रिय थे, जैसे मैंने बताया ना कि आज की डेट में श्रमिक भी बहुत जागरूक है, हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन बहुत सक्रिय हैं, तो मैं नहीं कह सकता कि इतना कोई खुला शोषण हो रहा होगा, हाँ जो घंटे ज्यादा काम लेते हैं तो उसका उनको भुगतान करना होता नियमानुसार, और COVID-19 के बाद तो इस तरह की स्थिति बहुत कम संभव है कि वो काम अधिक लें, मजदूर अधिक मतलब हैं तो जिसका चाहे शोषण करें, नहीं ऐसा होना बहुत मुश्किल है। और पीके सिंह जी, लेबर कोर्ट के बारे में अमूमन जो लोगों की एक सोच रहती है वो ये है कि लेबर कोर्ट जाएंगे, चक्कर काटने पड़ेंगे, बहुत समय लगेगा, तो ज्यादातर लोग पहला अपना विकल्प लेबर कोर्ट की तरफ नहीं देखते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है, कितना आसान है अपनी शिकायत को पहुंचाना और उसे आगे प्रोसीड कराना, ये जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, जैसा कि आपने बताया, जैसे हमारे पास कोई भी समस्या जब आती तो शिकायत के रूप में आती, मैंने बताया शिकायत की प्रकृति ज्यादातर ये होती है कि हमको काम से या तो निकाल दिया है या हमको समुचित वेतन नहीं दिया या नहीं दिया,
तो सर्वप्रथम हमारे यहाँ जो एक फील्ड कीपिंग है, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, हम उनके माध्यम से प्राइमरी एक जांच कराते हैं और मौके पे जांच क्या होती, जा करके एक फैक्ट फाइंडिंग करके और वहीं पे समाधान कराने का प्रयास किया जाता है। जैसा मैंने आपसे कहा ना कि वार्तक माध्यम से, अगर उसके स्तर से ये संभव नहीं होता तो हम अपने स्तर पे, हम हैं या हमारे स्टेट लेवल कमिश्नर है, उसको नोटिस भेजकर दोनों पक्षों को बैठाकर उनकी समस्या का समाधान करते हैं, जिससे कि ये किसी तरह के एडवोकेशन या लिटिगेशन में आगे न जाए। निश्चित तौर पर जब दोनों पक्षों में कोई हट पे आ जाता है और इस तरह वार्ता के माध्यम से समाधान नहीं होता तो फिर उसका एक लीगल एडजुडिकेशन ही विकल्प बचता है, तभी उसको हम लेबर कोर्ट में मुकदमे लगाने के लिए परामर्श देते हैं। निश्चित तौर पर चूंकि हमारे यहाँ आप जानती हैं कि जो भी मुकदमे लगेंगे तो कानून प्रक्रिया में उस पूरी प्रक्रिया का सीपीसी का पालन करना पड़ता है और विपक्षी को पर्याप्त अवसर देने पड़ते हैं जिससे समुचित न्याय हो सके, क्योंकि जो भी कार्रवाई या जो भी आदेश हम लोग अथॉरिटी ग्रुप में पारित करेंगे वो अपीलेबल होती है, ऊपर कोर्टों में भी जाते हैं, तो इस सब मामले में लेकर के समय ज्यादा लगता है। इसीलिए हम लोगों की प्राथमिकता होती है कि मौके पे ही वार्ता के माध्यम से जितना अधिक से हो सके वो समाधान कराया जा सके। अच्छा, और पीके सिंह जी, जिस तरह से कोर्ट को लेकर एक हमारी मानसिकता बन चुकी है कि वहां मामले ज्यादा होते हैं और जो रफ्तार होती है वो बहुत कम होती है, तो जरा आप अपने कोर्ट की स्थिति बताएं, कितने केसेस हैं, कितना एक रेशियो है, कितने समय पर इसका समाधान हो जाता है और कितने केसेस अभी पेंडिंग है आपके? ये समस्या है निश्चित तौर पर, जैसे गौतम बुद्ध नगर में आप जानते होंगे करीब 4,000 से ज्यादा तो रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां, करीब 7 से 8 लाख वर्कर यहाँ काम करते होंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के अन्य जनपद की अपेक्षा यहाँ पे काम का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, शिकायतों की संख्या ज्यादा है, उसमें जिनका समाधान हो गया वो तो आगे नहीं जाती है, लेकिन जिनका समाधान बताया वार्ता के माध्यम से नहीं हो सका वो लिटिगेशन में ही आती है, एडजुडिकेशन में ही आती, तो इस तरह हमारे यहाँ कम से कम 5,000 के आसपास मुकदमे पहले से चल रहे हैं। और अभी हमारे यहाँ एक एलसी थे, उनका भी ट्रांसफर हो गया, प्रमोट हो गए, तो हमने शासन से मांग भी की है और स्टाफ की भी कुछ कमी है जिसके चलते कुछ समाधान में व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब मामले लेबर कोर्ट में आ जाते हैं तो उसमें निस्तारण में अवश्य समय लगता है, जितनी समयबद्धता हम लोग प्रयास तो करते हैं लेकिन नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हैं, 2-3 कोर्ट ही सुनवाई करती हैं, और अगर हम 50 केस भी लगाएं, जैसे इस समय लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए नंबर ऑफ केसेज हम कम लगा पा रहे हैं, या एम्प्लॉयर एसोसिएशन ये कहती है कि अभी कोविड के चलते हम भाग नहीं ले पाएंगे, तो हम उनको एकदम से बात नहीं कर सकते क्योंकि छोटी सी ऑफिस हम लोगों की है और अगर ज्यादा लोग एक साथ बैठेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, तो मौके की नजाकत देखते हुए अभी कार्य की गति जो है इन पिछले 1-2 माह में तो कुछ कम है, और इसके 1-2 माह पहले लॉकडाउन में पूरी तरह बंद थी, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इनके निष्पादन में, इसके निस्तारण में तो थोड़ा सा प्रतिकूल असर पड़ा ही है। जी, और पीके सिंह जी, अगर मैं इस कोरोना काल को अलग रख दूं तो इसके अलावा और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां आपने देखा है कि लेबर से संबंधित बहुत ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और लोगों की शिकायतें बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो कौन सा वो मुख्य सेक्टर है जो आपने इस क्षेत्र में देखा है? मैडम, जो गौतम बुद्ध नगर मैंने बताया, आईटी सेक्टर से तो पहले बिल्कुल शिकायतें नहीं आती थी क्योंकि वहां पे कंप्लायंस अच्छा होता था, मल्टीनेशनल कंपनियां होती थी, आईपीओज होते थे, वहां उतनी शिकायतें नहीं थी। शिकायतें हमारे यहाँ जो फैक्ट्रीज है वहां से, और दूसरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में है, निर्माण क्षेत्र है, तो वहां भी मजदूरों की शिकायतें पेमेंट नॉन पेमेंट की आती रही। जी पीके सिंह जी, इसके अलावा जो नोएडा गौतम बुद्ध नगर है वो मीडिया हब भी है, क्या आप इस पर भी कुछ बताना चाहेंगे, कितने केसेस, क्या मीडिया सेक्टर से भी ये लगातार मामले आते हैं, तो इस पर भी कुछ कहना चाहेंगे, कितने केसेस इन सेक्टर से भी जुड़े हैं? निश्चित तौर पर मैडम, आपने बड़ा संवेदनशील विषय उठाया क्योंकि मीडिया तो खुद ही बहुत जागरूक होता और ये देख के बड़ा आश्चर्य होता कि हमारे मीडिया कर्मी भी कहीं कहीं अल्प वेतन या जो प्रेस्क्राइब्ड वेजेज हैं उससे कम पाते हुए या कम पाने की स्थिति में भी काम करते रहते हैं। जब यहाँ पे अभी हमारा एक आयोग जो आप लोगों के लिए वेतन के लिए बनता है, मजिठिया जी, उसके क्रियान्वयन की बात आई तो हम लोगों ने देखा, खासकर वो प्रिंट मीडिया के लिए होता है, वहां पे भी जो मजिठिया बेज बोर्ड की सिफारिशें थी उसका बहुत कम प्रतिष्ठानों द्वारा उसकी कहने की स्पिरिट के हिसाब से अनुपालन नहीं किया जा रहा था, उसके चलते हम लोगों के यहाँ शिकायतें आई, पूरे प्रदेश स्तर पे आई। इससे पहले मैं आगरा था तो वहां भी हम लोगों ने जांचें कराई और नहीं हुई तो फिर केस लगे। यहाँ पे भी काफी बड़ी संख्या में जर्नलिस्ट एक्ट के तहत मुकदमे लगे हैं, इसमें चूंकि अगर वेज का डिस्प्यूट कर देते हैं तो फिर उसको लेबर कोर्ट, वो ही एडजुडिकेशन की पावर है, तो वहाँ हम लोगों ने रिफर कर दिया जितनी जल्दी हुआ, कुछ कर्मचारियों को यहाँ से निकाल भी दिया गया। अभी कोरोना काल में आपके जो चैनल वाले भी हैं यहाँ से भी शिकायतें आ रही हैं कि या तो उनके यहाँ
छटनी की जा रही, या काम पे नहीं लिया जा रहा, या कई कई महीने से उनको वेतन लटकाए रखा गया है। उसमें भी जहां तक हम लोगों का प्रयास होता है वही सौहार्दपूर्ण तरीके से पारस्परिक सहमति से ही उसका समाधान का प्रयास कर रहे हैं। दो एक चैनल में मेरी बात भी हुई थी, तो उन लोगों का भी कहना है कि जो कि इस काल में हम लोगों के विज्ञापन या जो स्रोत थे बहुत सीमित हो गए और बहुत खर्चीली होती है किसी को आगे चलाना, तो निश्चित तौर पर कठिनाई है, इस फील्ड में भी बहुत कठिनाई है। और पीके सिंह जी, कई ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं, कई क्षेत्र होते हैं, कुछ का आपने नाम भी लिया है, वो बहुत प्रभावशाली होते हैं, उनके क्षेत्र से अगर जुड़ी हुई लेबर से संबंधित शिकायतें आती हैं तो उनका समाधान कैसे किया जाता है, जैसे हाल ही में आप बात अब भी कर रहे हैं। प्रभावशील जी प्रभावशील लोग निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में तो कोई मतलब न्यूनतर प्रभाव वाला नहीं है। जो मीडिया अपने आप में बहुत प्रभावी होती है और जो उसके मालिक हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो चाहे यहाँ हो, तो जी उनकी प्रभावशीलता की कहने की बात नहीं। लेकिन इन सबसे अलग भी हम लोग तो वही चीज देखते हैं जो नियम कानून के तहत आती है, उस दायरे में चाहे प्रभावशाली हो या ना हो। और मैं समझता हूँ कि जो पत्रकार है वो भी काफी प्रभावशाली होते हैं, वो भी अपनी बातें बड़ी सार्थक तरीके से, बड़े सक्षम तरीके से हम लोग सामने रखते हैं। लेकिन विवाद की स्थिति में मालिक निश्चित तौर पर थोड़ा सा, सभी तो नहीं, कुछ बड़ा नीरस और उदासीन रवैया अपनाते हैं। चलिए पीके सिंह जी, मैं इसके आगे बढ़कर बात करूं तो आपको क्या लगता है कि अभी कितने परिवर्तन जो लेबर से संबंधित लॉज हैं और जो कानून या जो हक हैं जो कि श्रमिकों को मिलते हैं, इसमें और कितने परिवर्तन और कितना इसे आगे बढ़ाने और इसे और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है? अब ये तो नीतिगत विषय है, हम लोग तो जो भी नियम कानून है उनको प्रवर्तन की मशीनरी है, बट जैसे समाज में रहते हुए जो हम समझ पा रहे हैं और जैसे एक स्थितियां उभर रही हैं, तो युग के अनुरूप और आवश्यकता के अनुरूप हर नियम कानून में परिवर्तन भी होगा, उसमें परिमार्जन भी होगा, और तभी उसकी सजीवता और उपयोगिता बनी रहेगी। तो कोई नियम कानून अगर इतना नीरस हो जाए, इतना कह लें कि कड़ा हो जाए, तो उसमें अगर परिवर्तन की या परिमार्जन की और आवश्यकता अनुरूप उसमें लचीलापन नहीं रहेगा तो वो अपनी उपयोगिता खो देगा। तो जैसी आवश्यकता, जैसे मैंने कहा ना कि पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज के रूप में है, इस समय सारे क्षेत्रों में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है प्रोडक्शन को लेकर के और कास्ट कटिंग, कॉस्ट इफेक्टिव इस तरह करके, तो इस एक प्रतिस्पर्धात्मक समय में जिस तरह की भी आवश्यकता होगी श्रमिक हित में भी और उद्योग के हित में, निश्चित तौर पर शासन उसके अनुरूप इसमें आवश्यक निर्णय लेगा और आवश्यक तरीके से परिवर्तन और परिमार्जन भी करेगा, जिसका हम सभी को आवश्यकता अनुसार उसका स्वागत भी करना चाहिए। जी, और क्योंकि आप डिप्टी लेबर कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर हैं, पीके सिंह जी, मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आप दोनों कैटेगरी के लिए, आप एम्प्लॉयज और लेबर, इन दोनों सेक्टर के क्या अधिकार हैं, इसके बारे में जरूर बताइए, क्योंकि आपके मुंह से जब लोग सुनेंगे तो उसकी उसकी जो सार्थकता और जो उसकी विश्वसनीयता होगी वो 100% होगी। तो मैं जरूर चाहूंगी कि लोगों को पता चले कि उनके अधिकार क्या है, ताकि वे भी जागरूक रहें। तो आप सबसे पहले बताइए कि जो लेबर्स हैं, जो न सिर्फ गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, देश भर में जो काम करते हैं, क्या है फंडामेंटल राइट उनके, जो उन्हें काम करने के लिए अगर वे जाते हैं तो उनके ये अधिकार हैं जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि उनका शोषण ना हो। जी मैडम, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हालांकि मैं समझता हूँ जितने हमारे श्रमिक भाई हैं काफी कुछ इन चीजों को जानते हैं। एक तो जिस भी प्रतिष्ठान में वो काम करते हैं वहां एक उनका हाजिरी रजिस्टर जरूर बनता है अटेंडेंस के लिए, उस पर उनका नाम होना चाहिए। 8 घंटे से अधिक अगर काम आदमी लेता है तो उसका वो भुगतान करे, नियमानुसार जो मिनिमम वेजेज है वो दे। इसके अलावा जो भारत सरकार की तरफ से 2 अधिनियम लागू किए जाते हैं, ESI का और PF, उसके भी उनको संरक्षण मिले। ये बेसिक चीजें हैं, उसको मिनिमम वेज मिले, उसका रोल पे नाम हो, ESI PF से अगर कवरेज है तो कवरेज किया जाए, और उसको कार्य के अधिक घंटे लिए जाते हैं, 8 घंटे से अधिक कार्य लिया जाता है तो उसका अतिरिक्त भुगतान वो संयोजक करे। जी, और इसके अलावा एम्प्लॉयज, जो लोग कंपनियों में काम करते हैं, बेशक से वे दफ्तर में आके बैठते हैं, इसी के कमरों में बैठते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है, तो उनके बारे में भी बताएं। चाहे जहां काम कर रहे हो, कंपनी में कर रहे हो, फैक्ट्री में कर रहे हो, उनका उनका रोल पे नाम होना चाहिए कि वहां श्रमिक हैं, उनके पास एक अपॉइंटमेंट लेटर अगर है तो लेटर होना चाहिए। 8 घंटे का ही कार्य का नियम सारे जगहों का है, 8 घंटे से अधिक काम लेने पर उनको अतिरिक्त भुगतान करना है, ESI PF का कवरेज होना चाहिए, यही मुख्य बातें। चलिए पीके सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सारी जानकारी आपसे इस छोटी सी बातचीत में हमारे सामने आई है, सो बहुत बहुत धन्यवाद जनसत्य न्यूज से बात करने के लिए। आपको बहुत धन्यवाद, ये अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
तो ये थे गौतम बुद्ध नगर के डिप्टी लेबर कमिश्नर पीके सिंह जी, जिन्होंने जानकारी ये बताई, ये जानकारी दी है कि अपने हक के बारे में जानकारी होना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लोग कहीं भी काम करते हैं, अपने घर से अपनी रोजी रोटी के लिए निकलते हैं, अगर उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता है और उन्हें पता है कि अगर इनका शोषण होता है कहाँ जाना है, उसके खिलाफ आवाज उठानी है, तो इसके अगर वो ये सब जानते हैं तो वो अपने आप में मजबूत हैं। और हम सभी के लिए मजबूत होना, पावरफुल होना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।